दोस्तों अगर आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप कर देते हो तो आप ये प्रोसेस सीख नहीं पाओगे। दोस्तों जब कोई क्रिएटर यूट्यूब पे आता है तो वो सोचता है यार मेरे पास तो अच्छा माइक नहीं है, मेरा वॉइस तो मोटा है या फिर मेरा वॉइस तो पतला है तो मेरा वॉइस कोई पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए वो यूट्यूब को छोड़ देता है या फिर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए उसे एक साल तक लग जाता है, क्योंकि वो एक साल तक यही सोचता है यार मैं कैसे ऑडियो बनाऊँ, मैं कैसे ऑडियो रिकॉर्ड करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो और उसे अपने YouTube वीडियो के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको जो 90% टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर मिल जाएगा, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें क्या होता है मैक्सिमम रोबोटिक वॉइस जनरेट होता है। रोबोटिक वॉइस का मतलब है आपका वॉइस का जो पिच है वो सेम ही रहता है। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ तो अगर मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो बोलते बोलते अगर किसी टाइम पे मेरे अंदर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़ोर से बोलने लग जाता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं गलत बोल रहा हूँ तो वहाँ क्या होता है मेरा जो वॉइस है वो लो हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपका जो वॉइस का पिच है वो हमेशा से बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। तो जो सॉफ्टवेयर है फिर वेबसाइट रोबोटिक वॉइस जनरेट करता है तो उससे भी आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है, लेकिन कभी कभी मोनिटाइज नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ उस वेबसाइट से एकदम ह्यूमन वॉइस जनरेट होता है। चलिए अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर जाकर पूरा प्रोसेस सिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा क्लिक चैम्प, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो इस बार वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जीमेल आईडी देकर साइन अप कर लेना होगा। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू विथ गूगल करना होगा और यहाँ पे मैं ये वाला ईमेल से लॉगिन करूँगा तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट ए वीडियो पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड एंड क्रिएट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे चार नंबर पर एक ऑप्शन देख सकते हो टेक्स्ट टू स्पीच, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप चाहो तो मेल या फिर फीमेल वॉइस चूज कर सकते हो। जो ए वाला वॉइस है वो मेल का है और जो ए वाला वॉइस है वो फीमेल का है, तो मैं यहाँ पे मेल वाला वॉइस चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो स्पीच स्पीड का ऑप्शन है इसको आपको रेगुलर करके रखना होगा। अगर आप फास्ट करोगे तो आपका ऑडियो फास्ट हो जाएगा और अगर स्लो करोगे तो आपका ऑडियो स्लो हो जाएगा। मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखा था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक कर देना होगा। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। दोस्तों आपने सुन लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो गया है। तो अब मैं आपको इसी टेक्स्ट को फीमेल वर्जन में करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर अगर मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा तो ए वाला जो वॉइस है वो फीमेल वर्जन में हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको एक्सपोर्ट करना होगा एज MP3। तो उसके लिए आपको सेव टू मीडिया पर जाना होगा। दोस्तों आपका ऑडियो यहाँ पे आ गया है, तो उसके बाद इस ऑडियो को आपको यहाँ पे लाना होगा। उसके लिए आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा तो आपका ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं आपको इसको प्ले करके सुना देता हूँ। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो एडिट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इस ऑडियो को एक्सपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप कोई भी क्वालिटी चूज कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑडियो है दोस्तों, ये वाला ऑडियो वीडियो में एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद उस वीडियो को आपको MP3 में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ 1080p में, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ऑडियो एक्सपोर्ट होकर डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं आपको इस वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए फिर आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा क्लाउड कन्वर्ट, और उसके बाद जो पहले वाला लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको इस वाला फाइल को चूज कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड में वो फाइल है, इस फाइल को मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कन्वर्ट टू, यहाँ पे जाकर आपको MP3 सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे MP3 सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद मैं कन्वर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप इस वाला ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो वो वाला जो वीडियो था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।